सोनी टीवी के पॉपुलर शो बरसाते के रियांश पर काफी ज्यादा गुस्सा सवार है और अब वो रिवेंज मोड में आ चुका है। पुराने वाला रियांश वापस आ गया है और सब जानते हैं कि उसे जब कुछ चाहिए होता है तो वो लेकर ही मानता है। रियांश जानबूझकर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहां पर उसकी माँ और वीरेन काफी ऑकवर्ड हो जाएंगे और अपनी माँ से बदला लेने के लिए ही रियांश अपने घर पर एक पार्टी अरेंज करेगा जहां पर सभी जेंट्स अपनी लेडीज के लिए काफी अच्छा खाना कुक करेंगे और यहां पर बार बार वो कुछ ना कुछ करके वीरेन और अपनी माँ कादम्बरी को ऑकवर्ड पोजीशंस में डालता रहेगा। इतना ही नहीं, यहाँ रियांश सभी के सामने किमाया को प्रपोज भी कर देगा। किमाया और उसकी एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है और खाना खाते खाते बीच में अचानक से रियांश किमाया के साथ अगले 7 दिनों में शादी करने की ख्वाहिश जताएगा और उसे प्रपोज तक कर देगा, जो बात बहुत से लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी। किमाया तो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन रियांश के पापा उसे साइड पर लेकर जाएंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किमाया के साथ साथ अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यहाँ तक कि रियांश की माँ भी उससे बात करने की कोशिश करेगी, पर रियांश तो ये सब कुछ उन्हें ही सताने के लिए, उनसे ही रिवेंज लेने के लिए कर रहा है और रियांश यहाँ किसी की नहीं सुनेगा। यहाँ तक आराधना भी रियांश के पास आकर कहेगी कि रियांश ऐसा ना करे, नहीं तो उसकी बहन की माया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बट आराधना से भी वो काफी अपसेट है, क्योंकि आराधना ने भी तो उसका दिल तोड़ा है। अब देखने को मिलेगा कि ये सब कुछ रियांश के अकॉर्डिंग चलेगा तो बात कहां तक पहुंचती है, क्या सच में किमाया और रियांश की शादी हो जाएगी।